अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है 23rd रोज़ा और देखते ही देखते रमज़ान भी ख़त्म होने के लिए आया है। और माशाल्लाह रोज़े तो बहुत अच्छे गए। और आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी बिकॉज़ मेरे को कल ईदी आने वाली थी, तो उनको भी देने की थी ईदी। तो फिर हम सब बनाने के लिए बिज़ी थे, सब चीज़ें तो ज़्यादा शूट नहीं की मैंने। बहुत सारी चीज़ें बनाई थी लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं ली। और ये हमारी इफ्तारी बनाने के लिए फिर मैं ये बना रही थी आज चपली कबाब का मसाला बनाने के लिए मैंने ये ज़ीरा, थोड़ा सा अजवाइन और ये अखा धनिया ली थी। इसको फिर मैंने ये मिक्सर में पीस के ले ली थी। और फिर ये मसाला होने के बाद दो बड़े बड़े मैंने प्याज ली और इसको फिर चॉपर में एकदम बारीक से चॉप करके ले ली थी। मटन के चपली कबाब मैं बनाने वाली थी तो फिर ये मटन का कीमा मैंने ली थी और इसमें डाली फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर डाली काले मिर्च की पाउडर, फिर डाला जो मैंने मसाला बनाया था वो, और ये चिली फ्लेक्स मैंने डाली, और ये एवरेस्ट का मटन मसाला, फिर ये थोड़ा सा गरम मसाला डाली मैंने, फिर मैंने डाली प्याज जो चॉप करके ली थी मैंने, उसका पूरा पानी निचोड़ के ली थी हाथों से, फिर ये प्याज डाली मैंने इसके अंदर, और फिर धनिया और ये दो मिर्ची और टमाटो कट करके फिर मैंने इसके अंदर डाली। और इसके बाद मैंने डाली थी बेसन और फिर इसको चपटे करके फ्राई कर ली थी। उसका मैंने वीडियो नहीं की और ये तैयारी हमारी चालू ही थी। और आज भी इफ्तारी में बाबू नहीं था, उसकी पार्टी थी, और ये अर्श बार बार पूछ रहा था कि कब होगा टाइम, कब होगा टाइम। सुबह सहरी में सिर्फ दो ही ब्रेड खाता है। The next day. और आज आने वाली थी मेरे को ईदी, तो फिर हमारी तरफ से भी देने का था तो उनके ही डिब्बे में हम लोग देने वाले थे बिकॉज़ यहाँ से जाने के लिए फिर कोई नहीं है रमज़ान में। तो ये मैं चाइना ग्रास बना रही थी, ये 5 स्टार का इंस्टेंट वाला। तो ये 1 लीटर दूध मैंने ली थी और फिर ये पकने के बाद फिर मैंने ये 2 पैकेट इसमें डाल दी। ये सुबह मैं फजर बाद ही बना रही थी बिकॉज़ फिर सोने के बाद फिर मैं लेट उठती हूँ, इसलिए मैंने फिर सुबह ही बना के रख दी थी। और ये फिर मैंने बड़े से डिब्बे में इसको ठंडा होने के लिए रख दी और फिर ठंडा होने के बाद डाल दी थी मैंने इसको फ्रिज में। और चिकन तंदूरी भी मैं बना रही थी, तंदूरी के लिए ये मैंने चिकन लेग पीस ली थी। इसको मैंने अच्छे से धो कर ली, साफ़ वगैरह की अच्छे से, आटा नमक लगा के अच्छे से इसको धो कर ले ली थी। फिर मैं बनाने लग गई थी इसका मसाला। तो उसके लिए मैंने ये दही ली, 2-3 चम्मच भर भर के दही ली मैंने, फिर इसमें डाल ली अदरक लहसुन का पेस्ट और ये थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर डाली इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और फिर डाली थोड़ा सा ये घर का रेड मसाला और थोड़ा सा चिकन एवरेस्ट का मसाला, और ये डाली मैंने तंदूरी मसाला एवरेस्ट का, और फिर मैंने इसके अंदर डाली नमक और इसको अच्छे से चम्मच से की मिक्स, और फिर डाली मैंने इसके अंदर आधा नींबू निचोड़ के डाली, और फिर मैंने इसके अंदर डाली फूड कलर, ये रेड वाला फूड कलर डाली, और मसालों को मैंने फिर से अच्छे से मिक्स की, और फिर ये फिर लगाने लग गई मैं ये लेग पीस को मसाले। तो अच्छे से मैंने इसको मसाले लगा कर ले ली थी और फिर रख दी थी मैंने इसको दूसरे बर्तन में, ऊपर से फॉइल पेपर वगैरह लगा के इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दी थी फ्रिज में, मैंने इसको रख दी थी। और कच्चा ही इसको मैं देने वाली थी तो फिर वो लोग वहाँ पे बना लेंगे। और ये फिर हो गया था मेरा। और फिर मैंने पूरे घर की सफाई, 9:15 बज चुके थे और बाकी सब घोड़े बेच के अब तक सो रहे थे, मैंने सब सफाई वगैरह की, सब लादी वगैरह पोछ ली और फिर फ्रेश वगैरह हुई और फिर मैं गई सोने के लिए। तो सोकर उठी थी मैं फिर 12 बजे, तो ये आया था मेरे मामू का लड़का अर्श के लिए नाश्ता लेके, उसके मासी ने भेजी थी बिकॉज़ आज दीदी जाने वाली थी ससुराल में, तो आज ही उन लोगों ने नाश्ता भेजे।
और फिर शाम में ये दूसरी मासी आई थी, उसने ये नाश्ता लाई थी, और ये हमारे गांव से भी अर्श को नाश्ते आ रहे थे, बिकॉज़ रमज़ान में फिर इतना दूर जाने के लिए नहीं होता। और फिर आ गई थी ये मेरी ईदी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब हमने इस तरह से सेट किए थे, माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा फ्रेंड्स। तो ये फ्रूट्स था, और ये सब कुछ चीज़ें फ्राई की हुई थी और कुछ फ्राई करने की थी, और ये थी फिरनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर ये हो गया था इफ्तारी का टाइम। तो दीदी और अर्श नहीं थे आज, मैं और बाबू ही थे, और ये अर्श को नाश्ता आया था, उसमें से मैंने सबका चाइना ग्रास निकाल के ले ली थी टेस्ट करने के लिए। और फिर मैं गई थी तरावी पढ़ने, तरावी से आने के बाद ये मैंने खाए थे राइस, ये भी मैंने अर्श के नाश्ते में से निकाली थी। और फिर ये मैं खाने लगी थी फिरनी, जो बहुत ज़्यादा यमी थी, जो मेरे ईदी में आई थी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक्स करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अल्लाह हाफिज़।